द केन की तरफ से अडानी ग्रुप के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए थे कि अडानी ग्रुप ने जो 2.15 बिलियन डॉलर का डेब्ट का रीपेमेंट करा है वो फुली रीपेमेंट नहीं करा है बल्कि पार्शियली रीपेमेंट करा है, क्योंकि अडानी ग्रुप ने जो गिरवी रखे शेयर छुड़वाए हैं वो अभी तक कम्प्लीटली रिलीज नहीं हुए हैं। लेकिन आज के दिन अडानी ग्रुप की तरफ से फर्स्ट सेशन में यानी कि मॉर्निंग सेशन में जैसे ही द केन को रिप्लाई सबमिट किया गया उसके बाद से अडानी ग्रुप के अंदर हमें काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं अडानी ग्रुप की ऑलमोस्ट 3 कंपनियों को छोड़कर सभी कंपनियों में हमें काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, जिसमें अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस के अंदर तो आज के दिन हमें 9% की तेजी देखने को मिल रही है, वहीं अडानी पोर्ट्स के अंदर 7% की तेजी, अडानी पावर के अंदर अगेन 5% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है, अडानी विलमार की भी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, 5% का अपर सर्किट अडानी विलमार के अंदर भी देखने को मिल रहा है, अंबुजा सीमेंट के अंदर 1.3% की तेजी और NDTV के अंदर भी 5% की तेजी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल आज के दिन सिर्फ 3 कंपनियों को छोड़कर अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी गैस और अडानी ट्रांसमिशन को छोड़कर बाकी सभी कंपनियों में हमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है बाजार की खबर, तो आपको पता होगा कि फर्स्ट सेशन में ही हमने आपके साथ में एक अपडेट शेयर कर दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया क्या था कि अडानी इंटरप्राइजेस क्लेरिफिकेशन ऑन डेप्ट रिपोर्ट्स, यानी कि अडानी ग्रुप ने जो द केन की तरफ से एलिगेशंस लगाए गए थे कि अडानी ग्रुप ने जो 2.15 बिलियन डॉलर का जो डेप्ट का रीपेमेंट किया है उसके बाद भी उनके जो प्लेज रखे शेयर थे वो अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं, तो उसको लेकर अडानी ग्रुप ने एक बड़ा क्लेरिफिकेशन दिया है और साथ ही साथ उन्होंने जो अपने प्लेस शेयर्स थे उनका भी पोर्शन यहां पर बताया है। यानी कि सबसे पहले अगर आप अडानी ग्रीन में देखेंगे तो अडानी ग्रीन के 31 दिसंबर 2022 तक 4.4% शेयर गिरवी रखे गए थे, जो कि 27 मार्च 2023 तक 3.5% हमें देखने को मिल रहे हैं। वहीं अडानी पोर्ट्स की बात करें तो 31 दिसंबर तक अडानी पोर्ट्स के 17.3% शेयर गिरवी रखे गए थे, जो कि अब हमें सिर्फ 4.7% देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर अडानी ट्रांसमिशन की बात करें तो अडानी ट्रांसमिशन के 6.6% शेयर 31 दिसंबर तक हमें गिरवी देखने को मिल रहे थे, जो कि अब सिर्फ 3.8% रह गए हैं। वहीं अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस की बात करें, अडानी इंटरप्राइजेस के गिरवी रखे शेयर्स 31 दिसंबर तक 2.7% थे, जो कि 27 मार्च 2023 यानी कि कल तक 0.6% देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर द केन को ये रिप्लाई सबमिट करते हुए अडानी ग्रुप ने ये क्लियर कर दिया है कि जो डेब्ट का रीपेमेंट उन्होंने किया है कंप्लीटली जेन्युइन है और कंप्लीट डेब्ट का रीपेमेंट यहां पर अडानी ग्रुप ने किया है। आप देख सकते हैं अडानी ग्रुप रिफ्यूटेड द रिपोर्ट्स इन सेपरेट स्टेटमेंट ऑन ट्यूजडे कॉलिंग द इकोनॉमिक टाइम्स क्लेम्स बेसलेस स्पेक्युलेशंस, यानी कि द केन की तरफ से जो ये रिपोर्ट पब्लिश करी गई है ये पूरी तरीके से बेसलेस है और बाजार में मैन्युपुलेशन क्रिएट करने के लिए ये रिपोर्ट पब्लिश करी गई है। लेटर इन द डे द कंपनी एड्रेस द केन रिपोर्ट सेइंग इट हैड पेड ऑफ शेयर्स बैक फाइनेंसिंग अमाउंटिंग टू रुपीज 2.15 बिलियन डॉलर एंड दैट द स्टॉक प्राइस फॉर दोस फैसिलिटीज हैज बीन रिलीज। तो ये काफी बड़ा स्टेटमेंट आज के दिन जैसे ही मॉर्निंग सेशन में आप देख सकते हैं 6:54 यानी कि ऑलमोस्ट 7 बजे के करीबन ये रिपोर्ट हमें देखने को मिलती है और उसके बाद में आज के दिन अडानी ग्रुप के अंदर हमें काफी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलता है। वही आज के दिन अडानी ग्रुप की कंपनी तरफ से एक और बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, जिसमें आप देख सकते हैं क्विंटिलियन बिजनेस के अंदर कंपनी ने यानी कि गौतम अडानी ग्रुप ने 49% का स्टेक एक्वायर किया है और ये एक्विजिशन 48 करोड़ रुपए में कंप्लीट करी गई है। तो ये भी अनदर एक बिग अपडेट हमें आते हुए देखने को मिल रही है। क्विंटिलियन बिजनेस के अंदर कंपनी बहुत तेजी से अपना जो मार्केट शेयर है वो बढ़ा रही है, इसके चलते आज के दिन अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस के अंदर हमें 9.2% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। अगर आप देखेंगे तो अडानी इंटरप्राइजेस के अंदर आज के दिन हमें एक प्राइस अनलॉकिंग देखने को मिली थी, फर्स्ट सेशन से ही आज के दिन हमें शेयर्स के अंदर एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और 10 बजे के करीबन जैसे ये रिपोर्ट निकल कर आती है अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस के अंदर हमें काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल जाती है। तो अभी के टाइम पर अडानी ग्रुप के अंदर अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं, फ्रेश पोजीशंस को अभी आपको अवॉइड करके चलना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी अडानी ग्रुप से रिलेटेड। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।